भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी एक तरफ पूरे देश में है, तो वहीं खिलाड़ियों के गुरुओं की भी इस जीत में अहम भूमिका रही है। इस पूरे टूर्नामेंट में अर्शदीप अपनी कमाल की गेंदबाजी से सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे। अर्शदीप के स्ट्रगल को लेकर उनके कोच जसवंत राय और अर्शदीप के परिवार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। प्रदर्शन रहा सर अर्शदीप का, कितनी उम्मीद थी आपको कि इतना बढ़िया प्रदर्शन जो है वो? मैं उम्मीद थी जी, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको यही कहा गया था कि ये बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, तो इसमें ही हम एक अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पहले मैच में उसने थोड़ा दो ओवर अच्छे नहीं किए थे, 29 रन दे दिए थे तो 2 ओवर में 6 दिए थे। फिर पहले मैच से बाद उसके साथ वार्तालाप होती रही थी, टेस्ट मैच होते रहते थे, बस उसको यही कहा था कि यू कैन डू इट। अभी हमने इसमें इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहना है या इकोनॉमिकली बेस्ट रहना है, तो वो एंड तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह गया और अच्छा किया। और 19वां ओवर तो बहुत अच्छा डाला उसने कि सिर्फ 4 रन दिए और 16 रन डिफेंड करने के लिए दे दिए, तो अच्छा किया उसने, बहुत खुशी हो रही है। अर्शदीप ने ये कहा कि बुमराह जो दबाव बनाते हैं उसका फ़ायदा वो ले जाते हैं अर्शदीप, किस तरह से इसको डिफाइन करें? हाँ देखो, जसप्रीत बुमराह के आने से इसको बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि जैसे जसप्रीत बुमराह पहला ओवर में 2 या 3 रन देता था, अगर इसको 8 रन भी पड़ता था 2 ओवर में 10 रन जाते थे, अगर यही उसको 10 जाते दस इसको तो 20 रन हो जाते, तो तीसरा ओवर ये डालने जाता तो उस पर प्रेशर रहता, तो उसके बाद वो बुमराह के साथ इसका प्रेशर रिलीज हुआ, और प्रेशर रिलीज होने के बाद जैसे इसको विकेट भी मिलती थी तो बुमराह को कई बार बैट्समैन अटैक नहीं करता, तो वो सोचता कि दूसरे एंड से अर्शदीप आएगा तो हम उसको अटैक करेंगे, तो जब उसके अटैक करने जाते थे तो ये अपनी लाइन ऑन लाइन छोड़ता नहीं था और इसको विकेटें भी मिली वहाँ पे पहले 2 ओवर में, हर मैच में इसने 1-1, 2-2 विकेट निकले। जैसे कोच हैं आप, तो सबसे बड़ी ताकत क्या है अर्शदीप? देखो अर्शदीप की जो ताकत है, जो इसका इनकमिंग बॉल है आता है जो राइट हैंडर को, जो उसने यूएसए के साथ 4 विकेटें ली थी 9 रन देके, एक तो उसका वो मेन हथियार है। नंबर 2 पे जब डेप्थ ओवर में आता है तो उसका यॉर्कर उसका हथियार है, तो उसके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उसके स्लो बाउंसर है, फास्ट बाउंसर है, तो जैसे उसने अभी उसको डीको को फाइनल में आउट किया, पहली बॉल पर उसको बाउंड्री लगी, फिर वो पहला बॉल स्लो था, उसके बाद उसने उसको उस सेम लेंथ पे वो तेज़ बॉल डाला, उसके बाद वो डिसीव हुआ शॉट में और आउट हुआ, तो ये चीज़ें बहुत है जो वेरिएशन उसके माइंड में चलती रहती हैं, वो अपने आप को काम रखता है, कूल रखता है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके अंदर कि एग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाता। मेहनत की बात करें, क्योंकि जिस मुकाम पे अर्शदीप पहुंचा है उसके पीछे एक बड़ी मेहनत छिपी होती है सर, किस तरह से वो मेहनत करते थे, किस तरह से अपने आप को तैयार किया? देखो एक वो मिडोकर फैमिली से आता था, उसके फादर सर्विस मैन थे, तो वो एक जो मिडोकर फैमिली से आता था उसको पता कितनी स्ट्रगल करने पड़ती है, कुछ सामान लेना उठता है, क्रिकेट का कुछ लेना, तो शुरू से उसको जो माहौल था जो था उसका माहौल ऐसे बना है कि वो मेहनती था, जो उसको मेहनत करने पर, उसको ये पता था कि मैं इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मैं मेहनत करूँगा तभी मैं हिंदुस्तान खेल सकता हूँ, तो उसने काफ़ी मेहनत की है इसमें, उसकी स्ट्रगल्स काफ़ी की है, उसके पेरेंट्स की स्ट्रगल है, उसकी मदर की स्ट्रगल है, 3 साल वो साइकिल पर लेके आते थे 15 किलोमीटर घर लेके आते थे रात को उसको, तो सबका योगदान है इसमें, तो उनका भी काफ़ी स्ट्रगल है, तो उसने स्ट्रगल देखी है, इसलिए आज उसको लगता है कि मैं उस मुकाम में पहुंच गया हूं, तो उसको स्ट्रगल दिखती है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो अपने। पिताजी हमारे साथ हैं सर, क्या कहेंगे, एक बड़ा सपना जो है वो आपका पूरा हुआ है, बड़ा सपना आपका पूरा हुआ है सर? बहुत बड़ा सपना है चैंपियन बनना, और 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप में जीतने का मौका मिला है। इस 17 साल में मैंने पहले बोला है कि बहुत सारे प्लेयर इंडिया के लेवल पे खेले होंगे और कई रिटायर भी हो गए होंगे जिनको मौका नहीं मिला, तो जब हमारी टीम को मिला है मौका और उधर हमारे बच्चे को इतनी छोटी उम्र में, इतने छोटे पीरियड में अंडर 19 का चैंपियन बनने का मौका मिला, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बनने का मौका मिला, और अंडर जो अभी वर्ल्ड कप हुआ अंडर T20, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत कितनी की है सर, मेहनत की यदि बात करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कैसा उसका मेहनत करने का जो तौर तरीके थे वो कैसे? मेहनत एक ऐसी चीज़ है जैसे परमात्मा दिखाई नहीं देता वैसे मेहनत है, तो आम आदमी को दिखाई नहीं देता, जो करता है उसी को पता है, ऐसे परमात्मा को जो पा लेता है उसको पता है परमात्मा क्या है, तो वो है मेहनत और परमात्मा में यही है। भांगड़ा डाला है सर, भांगड़ा खूब डाला है, घर में तैयारी क्या है? बस तैयारी पहले आप जहाँ से छोड़ेंगे फिर ही बताएंगे तैयारी क्या है, वहाँ भी मीडिया जाएगा तो वहाँ पकौड़े छोड़ों का काम जो है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। माता ने कहा है कि राजमा चावल उसके पसंद के बनाए जा रहे हैं, पता नहीं मेरे लिए नहीं बनाए हो, सब बच्चे के लिए बनाए हो। आप देख सकते हैं कि परिवार जो है वो बेहद खुश है, और अर्शदीप के पिता जो है वो हमसे अर्गुनदीप हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर?
इस सफल पर बहुत खुशी होती है जब वीरे को टीवी पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सफल वीरा इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं, बड़ी खुशी खुशी होती है वीरे को देख कर टीवी पर। जी तो आज क्या तैयारी की है जश्न के लिए? आज तो बहुत डीजे भी लगाया गया है घर के पास सारे, बहुत अच्छा से अच्छी तरह से फंक्शन किया जाएगा, ढोल वाले भी आए हैं और घर पे भी डीजे लगवाया गया है। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं अर्षद की मम्मी है। तो किस तरह की तैयारी आपने की है और कैसा माहौल है घर पे? शादी वाला माहौल है, बड़ी खुशी है, सारे भंगड़े पा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सारे मैच आपने देखे अर्षद? जी 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 जी। कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि देश भर में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है? बहुत तारीफ की रही है, बहुत किस्मत वाला जो देशली खेल रहा है, बहुत किस्मत वाला देशली जोड़ा बच्चा खेलता उसको किस्मत वाला की हो सकता है, देश पहला बच्चा बाद और उधर ही खेल लिया, बड़ी खुशी की गल, पूरा देश खुशियाँ मना रहा है उधर ही। उम्मीद थी आपको अर्षदीप के इस प्रदर्शन से, उम्मीद थी कि इतना बढ़िया खेल पाएंगे? हाँ जी, बहुत खुशी होती है, आगे भी अच्छा खेलेंगे, अभी तक अच्छा खेलते हैं, आगे भी अच्छा खेलेंगे। अर्षदीप हमारे साथ हैं, अर्षदीप क्या कहना चाहोगे, बड़ी उपलब्धि लेकर आप आए हो? शुक्रिया करना चाहूंगा जी सर, है ना, बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। क्या सर, क्या तैयारी जो है, माता ने बताया था कि आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया है, क्या कहेंगे, क्या मनपसंद खाना है सर आपका? जी सर, काफी देर से खाया नहीं है घर का खाना, एक्साइटेड हूँ, घर जाऊंगा एंड खाना खाऊंगा। सर अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, सफलता का राज क्या है अर्षदीप? सफलता का राज सर, परमात्मा ने बड़ी कृपा की थी, सारी सफलता तक क्रेडिट उन्होंने जाना। आपको कुछ चैलेंज भी लगा सर वर्ल्ड कप में, कोई चैलेंज भी आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में? टीम बहुत वधिया खेली सर, टीम बहुत वधिया खेली। आप देख सकते हैं कि अर्षदीप जो है वो फिलहाल हमारे साथ थे और अर्षदीप जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं, एक बड़ा काफिला जो है वो अर्षदीप के साथ उनके घर उनके स्वागत के लिए ये पहुँचे हुए थे लोग और फिलहाल वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़।